सभी किसान भाइयों नमस्कार, राम राम। मैं आपका दोस्त पुष्पेंद्र सिंह जाट और आप देख रहे हैं इंडियन एग्रीटेक गुरु चैनल पर खेती बाड़ी के नेठाठ। दोस्तों अभी फिलहाल गेहूं कटाई का सीजन आने वाला है, तो मेरे किसान भाई की जरूरत को देखते हुए आज मैं आपको वीडियो में दिखाने वाला हूं गेहूं कटाई की मशीन, रीपर मशीन जो कि ऑटोमेटिक चलने वाली है। बस आपको ना तो ट्रैक्टर की आवश्यकता है, इसमें एक आदमी इसको चला सकता है। तो दोस्तों अभी हमारे किसान भाइयों की जो मुख्य समस्या आने वाली है वो ये है कि उनको टाइम पर मजदूर नहीं मिल पाएंगे और मजदूर की कॉस्ट भी कम से कम 400 से 500 रुपये पर मजदूर होगी। तो हमारे किसान भाइयों को यदि गेहूं कटाई करनी है तो कम से कम 2000-2500 रुपये इन्वेस्ट करना पड़ेगा एक बीघा की कटाई के लिए। तो दोस्तों इसी बात को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या ये रहती है, चलो पैसा तो खर्च हो रहा है जो हो रहा है, मजदूर नहीं मिल पाते हैं। तो दोस्तों सभी इन समस्याओं को देखते हुए आज मैं पहुंच चुका हूं जयपुर के अंदर किसान साथी ट्रेडिंग कंपनी, जो कि बहुत सारे जो है कृषि उपकरणों में डील करती है और बहुत सारे कृषि उपकरण बनाती है। तो मेरे साथ में चौधरी साहब और उनसे जानकारी लेंगे क्या इस रीपर पे हमारे किसान भाइयों को सब्सिडी वगैरह मिलेगी या नहीं मिलेगी, कौन कौन सी फसल की कटाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और फसल कटाई के साथ साथ इसकी प्राइस क्या है और कितनी हमारी कमाई किसान भाई कर सकते हैं, तो सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से लेने वाले हैं। तो चौधरी साहब आपका हमारे चैनल में स्वागत है जी। नमस्कार सभी किसान भाइयों को, मेरा नमस्कार, मैं मुकेश चौधरी किसान साथी कंपनी जयपुर से। जी 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 चौधरी साहब, अब बात करेंगे आज हम आपके रीपर के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट ये होगा, क्योंकि हमारा किसान भाई का उद्देश्य ये होता है कि हमें बढ़िया क्वालिटी का रीपर मिले। तो आपका जो ये रीपर देख पा रहा हूँ, इस रीपर से हमारे किसान भाई कौन कौन सी फसल की कटाई कर सकते हैं? सर जो भी खड़ी फसलें हैं, जो भी खड़ी फसलें हैं, जैसे गेहूं हुआ, जौ हुआ, धान हुआ, बरसीम हुआ, रिंजका हुआ, मूंग हुए, मोट हुए, चना हुए, जो भी फसलें हैं खड़ी फसलें सारी, बाजरा वगैरह हुआ, सब काटेगी। अच्छा, ज्वार बाजरा वगैरह भी काट सकती है? बिल्कुल काटेगी। तो मेरे किसान भाइयों, अभी सर ने बताया कि ये मल्टी क्रॉप रीपर है, इससे आप सारी की सारी फसलों की कटाई आप कर सकते हो। तो आप थोड़ा सा बात करें चौधरी साहब कि आपके इस रीपर से हम एक घंटे में कितनी कटाई कर सकते हैं? लगभग सर एक घंटे के अंदर 2.5 बीघा के आसपास कटाई कर देगी। अच्छा, 2 से 2.5 बीघा कटाई कर देगी। तो आप सर थोड़ा सा बात करें, 2 से 2.5 बीघा की जब कटाई करेगी तो हम जैसे इसे 7-8 घंटे चलाते हैं तो कितनी जो है कटाई कर देगी ये? देखिए 4 घंटे सुबह चलाते हैं अपन, 4 घंटे शाम को चलाते हैं जी, तो भी दिन भर के अंदर हो गए 20 बीघे। जी जी, 20 बीघे अगर अपन कटाई करवाते हैं मजदूरों से जी, तो 1 बीघा का खर्चा आता है अपने लगभग 2000 रुपए कम से कम मान के चलो। 4 मजदूर 1 बीघा कटाई करेंगे एक दिन के अंदर, उनको लाना भी पड़ेगा, लेकर छोड़ना भी पड़ेगा उनको, और दवाई जितनी बेकार भी उनकी करनी पड़ेगी, बिल्कुल चाय पानी पिलाना पड़ेगा उनको, और बीच में रेस्ट भी चाहिए उनको। साहब चाय पानी की तो कोई बात नहीं है, 150 रुपए तो इधर उधर हो जाए वो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट मोस्टली कितना खर्चा हो जाएगा उनका? मोस्टली देखो सर 2000 रुपए 1 बीघा कम से कम 4 आदमी चाहिए, सुबह से शाम तक 4 आदमी होंगे तब जाके 1 बीघा गेहूं कटेंगे। बिल्कुल सच्चाई। और अपनी जो मशीन है मात्र 100 रुपए भी नहीं लगेंगे, 100 रुपए भी जो चलाने वाला आदमी भी होगा ना उस समय, तो डीजल समेत जो इतने डीजल लगेगा उसके अंदर 100 रुपए के अंदर 1 बीघा की कटाई कर देगी। अच्छा, 8 घंटे में कितना खर्चा आएगा इसको चलाने में? 8 घंटे के अंदर सर इसमें 1 घंटे में अगर इसमें बात करें तो 900 ml के आसपास इसमें डीजल लगता है, तो लगभग मान के चलो अपने भाई 200-250 बीघा में 100 रुपए का अपने खर्चा रहा है, 100 रुपए का खर्चा रहा है 2.5 बीघा के अंदर। जी, जी, तो मान लो अपने भाई 150 मान लो अपने, तो भाई 2.5 बीघा काटने में 150 रुपए खर्चा आ गया जी, तो 2.5 बीघा काटने में 150 आ गया, तो लमसम 20 बीघा हमने काटा तो करीब करीब 1000-1200 रुपए का, 1200-1300 रुपए का खर्चा अपने 20 बीघा में सुबह से शाम तक काट। तो अब थोड़ा सा बात करें, अब जैसे मान के चलो हमारे किसान भाइयों के पास तो इतनी जमीन नहीं है, आजकल आपको पता है जमीन कम हो गई है, तो वो इसको रोजगार का माध्यम बनाना चाहें तो क्या इससे रोजगार बना सकते हैं, कितना पैसा कमा सकते हैं? बिल्कुल सर, देखिए इसमें रोजगार की बात करें तो अपन किसान भाई इसको 7 से 8 दिन में फ्री कर लेगा, वो कैसे करेगा वो आपको मैं बताता हूँ। जी जी बताइए।
अपन क्या नाम है खेती क्या मजदूर से कटवा रहे हैं तो एक बीघा का 2000 रुपए खर्चा रहा है जी। और ये मशीन अपने काट रही है मान लो एक बीघा 100 रुपए का खर्चा मान लो जी, एक बीघा काटने का जी जी जी, तो 20 बीघा काटने में 2000 रुपए खर्चा हो गया जी, जिसमें डीजल भी खपत हो गई 500-700 रुपए में आदमी चलाने वाला वो भी ले गया जी। 2000 रुपए के अंदर ये 20 बीघा कटाई कर दी। अरे सर आजकल तो घर का ही आदमी चला लेता है। तो अगर कभी मान लो सर अपने बाहर का बीघा घर का नहीं चला रहा है जी, जी, तो बाहर का भी लाके अपन चलवा रहे हैं ना, तो 2000 रुपए में 20 बीघा की कटाई कर देगी। तो 20 बीघा के अंदर अपन 1000 रुपए बीघा में भी काट देते हैं किसान भाई की, 1000 रुपए बीघा में भी जी। तो किसान भाई खुशी कटवा लेगा। बिल्कुल सही बात है, इनको किसान भाई को 1000 रुपए का प्रॉफिट, 1000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, किसान का भी प्रॉफिट और जो मशीन चलाने वाला उसका भी प्रॉफिट, दोनों का प्रॉफिट है इसमें। तो लगभग एक दिन में कितनी कमाई कर देगा फिर? एक दिन के अंदर जोड़ लो आप 18000 रुपए, एक दिन के अंदर 18000 रुपए किसको बोलते हैं, एक दिन में 18000 रुपए। अच्छा, तो 18000 रुपए आपने एक दिन में कमाए हमारे किसान भाई ने, तो 7 दिन में लगभग इस मशीन को फ्री कर सकते? बिल्कुल, 7 दिन के अंदर, 1 सप्ताह के अंदर मशीन फ्री हो जाएगी किसान भाई की। तो मेरे किसान भाइयों 18x7 कर लीजिए, आपकी जो रीपर की जो कॉस्ट है आपने दी है वो आपकी निकल चुकी है। और सबसे बड़ी खास बात ये भी है कि आपकी कॉस्ट आपको गवर्नमेंट भी देने वाली है इसकी आधी कॉस्ट, तो सब्सिडी वगैरह है इसमें? बिल्कुल सर, ग्रिप्स का लगाने का अपने इंजन इसमें सब्सिडी अप्रूव्ड है। अच्छा, सब्सिडी अप्रूव्ड है। तो मेरे किसान भाइयों आपने देखा होगा कि कई प्रांतों में 50% है, कई में 40% है, कई में 60% है, कई में 70% तक हमारे किसान भाइयों को सब्सिडी मिलती है। तो मेरे किसान भाइयों आप 7 दिन के बजाय आप 3 दिन में ही, 3 या 4 दिन में ही आप इसको फ्री कर दोगे मेरे किसान भाइयों। बाकी की जो इनकम है, कम से कम सीजन चलता है सर मोस्टली 1 महीने तो चलता है, 1 महीने तो आराम से चलता है। लगभग लगभग हमारे किसान भाई एक सीजन में कितनी इससे कमाई कर देंगे? लगभग लगभग मान के चलो तो 4 से 5 लाख रुपए, 4 से 5 लाख रुपए एक महीने में आराम से कर लेगा। जी जी जी। अब सर ये तो हो गई काम के बात, काम की बात कि हम इससे कमाई कर सकते हैं। अब सर थोड़ा सा इसकी फीचर्स के बारे में तो बताइए, कमाई से क्या होगा? फीचर्स के मामले में बात करें तो सर ये छोटी सी 1 फीट की फसल से लेके 8 फीट तक की फसल काट देगी। बिल्कुल, और 4 फीट चौड़ाई लेके चलेगी। अच्छा, 4 फीट कटर वायर इसका जो है 4 फीट चार फीट हुआ है, 4 फीट का। अच्छा अच्छा, अब सर थोड़ा सा बात करें हम ब्लेड्स की क्वालिटी के बारे में, और ये कितने ऊंचाई से काटेगी चौधरी साहब, पहले तो ये बिल्कुल सर किसान भाई को दिखा सकते हैं। 1 से 1.5 इंच से अपन हाथ से कटवाते हैं ना या मजदूर से कटवाते हैं, तो 1 से 1.5 इंच तो अपने को काटना पड़ता है, तो वही 1 से 1.5 इंच किसान का जो चारा होता है वो अन्ना से ज्यादा कीमती होता है। बिल्कुल, तो किसान भाई को चाहिए चारा। बिल्कुल, तो चारे के लिए अपने इसमें बिल्कुल ब्लेड जो है बिल्कुल नीचे लगा रखी है। अच्छा अच्छा, नीचे दिए हुए मेरे किसान भाइयों आप देख सकते हो, कृपया कैमरामैन हाँ जो है इसको दिखा सकते हैं। अब जो ब्लेड्स रहेंगे, ब्लेड्स की क्वालिटी क्या रहने वाली है, कहीं ऐसा तो नहीं कोई कंकड़ पत्थर आ जाए टूट जाए? सर बिल्कुल भी टूट, किसान भाइयों के लिए पूरे सेफ्टी फीचर्स अपने इसमें दे रखे हैं। जो ब्लेड होगी उसके सामने अपने ये लगा रखा है, देखो जो भी पत्थर आएगा ना आगे। अच्छा अच्छा, फिंगर इसमें दिए हुए हैं। अच्छा, फिंगर में अटक के रुक जाएगा? बिल्कुल अटक के रुक जाएगा, और यदि कोई छोटा मोटा आ जाए तो ब्लेड तोड़ देगा उसको? बिल्कुल, ब्लेड छोटा मोटा जो आ जाएगा उसके आराम से ब्लेड उसको तोड़ देगा। कार्बन क्वालिटी की हेवी क्वालिटी की इसमें ब्लेड दी हुई है, जो सालों साल तक किसान भाई के चलेगी। अच्छा, सालों साल तक चलेंगे, घिसेंगे नहीं? बिल्कुल घिसने तो घिसेंगे, लेकिन काफी टाइम लगेगा घिसने में। अच्छा अच्छा, काफी टाइम में घिसेंगे, टूटने का डर खत्म है। अब सर बात करें जैसे भाई, अभी ये देखो ये तो मशीन है, मैं मान रहा हूँ कि आप गारंटी ले रहे हो, अच्छी बात है। बाय द वे कई बार क्या होता है, ऊंचा नीचा हो जाता है जमीन का लेवल या कोई फर्क पड़ जाता है, बाय द वे कोई ब्लेड टूट जाता है, तो क्या हम एक ब्लेड को जो है लगा सकते हैं या फिर सारी की सारी बदलनी पड़ेगी? देखिए सर, इसमें अपन दे रखे एक एक ब्लेड सारी सेट कर रखी है। अच्छा। एक ही ब्लेड अगर एक ब्लेड खराब होगी तो एक ही ब्लेड किसान भाई को चेंज करनी है, न कि पूरी चेंज करनी पड़ेगी। जी जी जी। अब सर थोड़ा सा बात करें, देखिए स्टार की क्वालिटी के बारे में, क्योंकि स्टार ही फसल को इधर से और उधर करने वाला है, तो यदि स्टार टूट गया, हल्की क्वालिटी का हुआ, तो हमारे तो किसान भाई का काम रुक जाएगा। तो स्टार की क्वालिटी के बारे में थोड़ा सा बताएं आप सर। सर स्टार जो इसमें दे रखा हैवी क्वालिटी का प्लास्टिक इसमें लगा रखा है अपन ने। अच्छा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो भी किसान भाई के लिए जो भी इसमें मटेरियल अपने दरकार का हैवी क्वालिटी के सारे मटेरियल। किसान भाई का पैसा जो होता है खून पसीने का पैसा होता है। बिल्कुल, मैं खुद किसान हूँ सर, मेरे घर वाले किसान है, अपने को पता है कैसे पैसा कमाया जाता है। चौधरी साहब यदि आप है ना अपने जैसे अपने तरीके से किसान भाइयों को जैसे अपना जैसा समझोगे ना, तभी आप सफल हो पाओगे।
ये भी सच्चाई की बात है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। आप ये सोचोगे कि किसान भाई को हाँ मशीन दे दी और छुट्टी कर दी तो वो गलत बात है, आप भी सक्सेस नहीं हो पाओगे, सफल नहीं हो पाओगे। बिल्कुल, किसान भाई का प्यार है। जब देखो एक आइटम से मैंने चालू किया था, आज 100 आइटम मेरे पास है। जी जी, तो किसान भाई को मैं सेवा दे रहा हूँ, खुद किसानों की जो दिक्कत है वो समझ रहा हूँ। जी, अब चौधरी साहब बात करें, आपने ये 3 बेल्ट में दिया हुआ है, मैंने 2 बेल्ट में ये रीपर देखे हैं, तो 3 बेल्ट में देने के पीछे क्या कारण है? देखिए सर, किसान भाई की एक तो फसल होती नहीं है। किसान भाई के क्या नाम है, 1 पीट से लेके 10 पीट तक की फसलें होती हैं। बिल्कुल, तो एक बार ये नहीं कि शॉर्ट फसलें किसान भाई काटेगा। अच्छा। एक मशीन से सारी फसलें, जैसे अभी रबी की खरीफ की दोनों फसलों में आराम से किसान भाई इसको काम में ले सकता है। अच्छा, आराम से काम में ले सकता है। अब सर थोड़ा सा बात करें, जो ये आपके पट्टे हैं, पट्टे की क्वालिटी के बारे में बताइए, किस क्वालिटी के बने हैं सर ये पट्टे? सर इसमें हेवी क्वालिटी का अपने दे रहे, क्योंकि मोटाई देखो पट्टे की। जी जी, बिल्कुल भी नाइलॉन के आपने ये नाइलॉन के, इसमें प्लास्टिक वगैरह आपने यूज की हुई है। अब सर थोड़ा सा बात करें, अब हम चलते हैं थोड़ा पीछे की साइड में, और पीछे की साइड में हम देखते हैं, जैसे मान के चलो क्या होता है, मशीन है, मैं मान रहा हूँ आपने पट्टे हैवी दे दिए, लेकिन चलते चलते ये ढीले भी तो पड़ सकते हैं। बिल्कुल पड़ेंगे, मशीन चलेगी तो सर पट्टे भी ढीले पड़ेंगे। तो कैसे हम इनको टाइट कर पाएंगे, कुछ प्रावधान? बिल्कुल, किसान भाइयों के लिए अपने इसमें देखो ये नट दे रखे हैं दोनों तरफ में, इसको टाइट करके किसान भाई पट्टे को टाइट कर सकते हैं। अच्छा, पट्टे को टाइट कर सकते हैं। अब चौधरी साहब थोड़ा सा बात करें इसकी गियर बॉक्स की क्वालिटी के बारे में, तो गियर बॉक्स की क्वालिटी के बारे में? बिल्कुल हेवी क्वालिटी का गियर बॉक्स, सालों साल से किसान भाई को देखने की जरूरत नहीं है, केवल ऑयल किसान भाई को टाइम टू टाइम चेंज करना है और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो गियर बॉक्स की कुछ गारंटी है सर? 2 साल तक की वारंटी है गियर बॉक्स की भी, किसान भाई पूरी मशीन के 2 साल तक की वारंटी है, कोई अच्छा। भी दिक्कत आएगी किसान भाई को फ्री कॉस्ट ठीक कर करेंगे। अब सर बात करें, हम टायर्स देख पा रहे हैं, आपके टायर्स काफी बड़े दी हुए हैं और इसमें में गुड्डी भी काफी बड़ी बड़ी दी हुई है, तो ये क्यों सर, ऐसा क्यों? देखिए सर, आजकल जो जैसे रेतीली मर्दा होती है उसमें चूहे वगैरह बिल वगैरह कर देते हैं, तो कभी कभी मशीन अंदर चल जाती है, तो हेवी टायर बड़े टायर है तो उसमें मिट्टी के अंदर नहीं जाएंगे, नहीं धसेंगे, मशीन आराम से चलेगी। तो जैसे मान के चलो ऊंची मैणे हैं तो ऊंची मैणों पे कूद जाएगा ये? बिल्कुल आराम से कूदेगा सर। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप थोड़ा सा बात करें सर, देखिए क्या होता है, हम कटाई करते रहते हैं, अब हमें मोड़ आता है, अब मोड़ पे मोड़ना है इसको, तो खींचना पड़ेगा या आपके पहिए इधर उधर घूम जाएंगे? बिल्कुल सर, इसमें जो अपने खींचने की जरूरत है, 2 कलर्स अपन ने दे रखे हैं। अच्छा, दोनों तरफ डिफरेंशियल गियर का दे रखा अपन ने। जी, मेरे किसान भाइयों देख सकते हो, चौधरी साहब ने डिफरेंशियल गियर का सिस्टम दिया हुआ है, यदि हम जैसे ही क्लिच को दबाएंगे तो हम जो है इसको जो है टर्न कर सकते हैं, यदि आप राइट क्लिच दबाते हो तो राइट घुमा सकते हो, यदि आप लेफ्ट की दबाते हो, ये आप किसान भाइयों के लिए क्लिच दी हुई है, देखिए अभी कितनी आसान तरीके से हम इसको मूव कर सकते हैं। अब थोड़ा सा हम एक बार इधर की भी देख लेते हैं, ये इधर का आप देख सकते हो मेरा राइट हैंड वाला, अब देखिए उस पहिए पे ही घूम रहा है, टर्न हो रहा है, तो इसमें बहुत ही शानदार ये प्रोविजन दिया है। अब चौधरी साहब थोड़ा सा बात करें इंजन के बारे में, तो इंजन की क्वालिटी के बारे में थोड़ा सा बताइए, किस कंपनी का इसमें इंजन दिया हुआ है? देखिए सर, इंजन अपन इसमें जो सबसे पुरानी कंपनी है इंडिया की, जी जो आजादी से पहले से जो कंपनी चल रही है हमारी, बिल्कुल ग्रीस कंपनी, जो पुराने जो होते हैं अपने क्या नाम है ऑटो होते थे, टेम्पो वगैरह होते थे, उसी के अंदर ही आता है ग्रीस कंपनी का। बिल्कुल सर, इसमें मॉडल नंबर वगैरह सब दे रखा है ग्रीस के, देखो। अच्छा अच्छा, ग्रीस कंपनी का जो ये इंजन है आप देख सकते हो, ISI मार्का, आपको जो ओरिजिनल चीज मिलेगी। तो ये सेल्फ स्टार्ट है सर या रिकॉइल स्टार्ट है? रिकॉइल स्टार्ट है सर। अच्छा, रिकॉइल स्टार्ट है। कितने HP का इसमें इंजन दिया हुआ है चौधरी साहब? 5 HP का। अच्छा, 5 HP का है। तो बात करें जैसे मान के चलो अभी हम कटाई कर रहे हैं इससे, तो 1 घंटे में ये कितना जो डीजल लेने वाला है? 1 घंटे के अंदर मान के चलो सर 900 ml के आसपास, 800 से 900 ml ले सकता है। अब सर कैसे हम इसको चला पाएंगे, गियर्स वगैरह के बारे में थोड़ा सा बताएं आप? सर एक गियर तो अपन ने दे रखा है रिपर का, जी एक गियर अपन ने दे रखा है इनका व्हील्स का। जी जी जी, ये रेस दे रखी है, रेस ये एक्सीलेटर स्पीड बढ़ती चली जाएगी। जी जी, अब सर हमारे किसान भाइयों का एक और क्वेश्चन निकल के आता है कि हमें धान की कटाई करनी है और धान पानी में है, तो क्या हम पानी में भी कटाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं सर? बिल्कुल सर, इसमें टायर अपने बड़े तभी लगा रखे हैं, बड़े टायर लगा रखे हैं, थोड़े लगा रखे हैं, भाई किसान भाई पानी के अंदर भी आराम से चला सकता है। तो सर चौधरी साहब आप थोड़ा सा बात करें कि जैसे अभी हमारे किसान भाइयों का एक और क्वेश्चन रहता है कि कहीं सर ऐसा तो नहीं है ये वाइब्रेशन वगैरह करे, थकान हमें परेशान कर दे चलाने में, कहीं हमारे किसान भाई खरीद लें और वो 1-2 घंटे भी नहीं चला पाए?
बिल्कुल सर, 1% भी वाइब्रेशन एग्री की साल भाई को हम लाइव डेमो चला के दिखा देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, अब चौधरी साहब हमने मशीन की आपकी पूरी जानकारी ले ली है, अब थोड़ा सा बात करें गारंटी वारंटी के बारे में और सब्सिडी के बारे में। तो गारंटी वारंटी क्या रहने वाली है सर इस मशीन की? सर गारंटी वारंटी की बात करें तो इसमें 2 साल की अपने वारंटी दे रखी है। जी जी, 2 साल तक कोई दिक्कत होगी कंपनी ठीक करके देगी। अच्छा, और सब्सिडी के बारे में? सब्सिडी सर इसमें जो ग्रीस कंपनी का अपने लगा रखा है इंजन, ये ग्रीस कंपनी का सब्सिडी अप्रूव्ड है। अच्छा, सब्सिडी अप्रूव्ड, आपका रीपर पूरा रीपर सब्सिडी अप्रूव्ड है। अब सर बात करें इसकी प्राइस के बारे में, तो इसकी प्राइस क्या रहने वाली है? सर प्राइस अपने मात्र कर रहे किसान भाई के लिए 1,35,000 रुपए। अच्छा अच्छा अच्छा, तो डिलीवरी वगैरह का? बिल्कुल होम डिलीवरी बिल्कुल फ्री है, जिसके अलावा इसमें गियर ऑयल, इंजन ऑयल और डीजल की टंकी भर के किसान भाई को पूरी तैयार करके किसान भाई को देंगे। किसान भाई को तो केवल चलानी है, स्टार्ट करनी है खेत में ले जाके। अच्छा, सेल्फ लगाना है बस? सेल्फ लगाना है कुछ तो नहीं। मेरे किसान भाइयों, चौधरी साहब आपको साथ में ये सारे सामान देने वाले हैं, तो आप सर बात करें कि आपकी कंपनी में इसको खरीदने के लिए आना पड़ेगा या कैसे खरीद सकते हैं चौधरी साहब? देखिए सर, सबसे बढ़िया ऑप्शन तो किसान भाई के लिए है भाई, विश्वास के लिए भाई, किसान भाई खुद आए चलाए देख के फिर लेके जाए। किसान भाई का जो भी आने जाने का किराया लगेगा जी, रहने खाने पीने तक का किसान भाई टिकट अपने साथ ले। मैंने किसानों के लिए रहने के लिए किसान गेस्ट हाउस भी बना रखा है। अच्छा, किसान भाई 1 दिन रहे 2 दिन रहे बिल्कुल रहने खाने पीने की तक की व्यवस्था किसान भाई के लिए अपन ने कर रखी है। जी, जी, जी। और जो किसान भाई नहीं आ सकता उनके लिए अपन ने व्यवस्था करी की है कैश ऑन डिलीवरी। अच्छा, घर बैठे भी किसान भाई घर बैठे भी मंगवा सकता है। किसान भाई को केवल 5,000 रुपए एडवांस देने, बाकी मशीन घर पहुंचने के बाद में किसान भाई देख के पेमेंट करे। अच्छा अच्छा, तो देख के ही पेमेंट जब करें। तो मेरे किसान भाइयों, यदि आप लोग सर ने बताया कंपनी में आते हो तो आपको खर्चा भी आपको पे किया जाएगा, और साथ के साथ यदि आप नहीं आ सकते, कोई भी प्रॉब्लम है, ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर दिए गए, कॉल कीजिए, पूरी जानकारी लीजिए, जब आप संतुष्ट हो जाएं तब आप खरीद सकते हैं। तो किसान भाइयों, आशा करता हूं जो आज मैंने जानकारी आपको दी है गेहूं कटाई मशीन के बारे में, शायद उससे आप संतुष्ट होंगे। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।